तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब जब बीजेपी हारती है अपने तीनों जमाइयों को आगे करती है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। डॉक्टर पात्रा, देखिए, अगर घर में आप भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार पालेंगे तो स्वाभाविक है उनका विवाह सीबीआई, ईडी और आईटी से ही होगा। अगर भ्रष्टाचार नहीं पालिएगा तो ईडी, सीबीआई और आईटी क्यों आएगा? और इसमें कोई दोमत नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी की राजनीति कैसी रही थी उसके लिए बहुत बड़ा डिबेट करने की अंजना जी कोई आवश्यकता नहीं है, हर कोई जानता है। चारा घोटाले के, देखिए यहाँ तो बड़े बड़े घोटाले की बात हो रही है। चारा घोटाला हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा नमूना था, जिसमें गाय, बकरी, भैंस, मुर्गा, मुर्गी, किसी के भी चारे को छोड़ा नहीं गया। जिन लोगों ने ये बेचारे गाय मूक प्राणियों के चारों को नहीं छोड़ा है, आप सोचिए। लैंड फॉर जॉब स्कैम जो रेलवे मंत्री रहते हुए 2004 और 9 के बीच में लालू प्रसाद यादव जी ने किया होगा, और जो आईआरसीटीसी घोटाला किया था वो कितना बड़ा होगा। ये कोई आज का घोटाला तो नहीं है, ये तो पहले से जांच चल रहा है, इस पर छापे पहले भी पड़े थे और हमारी सरकार से पहले भी ये विषय चल रहा था। दूसरा विषय मैं पूछता हूँ टाइमिंग को लेकर, जो आज तेजस्वी बता रहे थे कि टाइमिंग ठीक नहीं है। कौन सा टाइमिंग ठीक है? मतलब ये आईटी, ये ईडी और सीबीआई पहले पंडित जी को बुला के मुहूर्त निकालेंगे कि आप मुहूर्त निकालिए, फिर मैं जाके यहां पर रेड करूंगा, क्यों? मतलब कभी पंचायत चुनाव होता है तो वो टाइमिंग ठीक नहीं है, कभी सरपंच चुनाव होता है तो वो टाइमिंग ठीक नहीं है, विधानसभा चुनाव होगा तो वो टाइमिंग ठीक नहीं है, संसद चुनाव होगा तो वो टाइमिंग ठीक नहीं है, यहाँ सदन के पटल के ऊपर आपका बहुमत साबित करना होगा वो टाइमिंग ठीक नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कि हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा टाइमिंग है, कौन सा ऐसा मुहूर्त है जिसमें लालू प्रसाद यादव जी के जो एसोसिएट हैं, जो जुड़े हुए थे भ्रष्टाचार के साथ, उनके ऊपर अगर रेड डलेगा तो वो टाइमिंग ठीक होगा? अंजना जी, ये मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। देखिए, यही आम आदमी पार्टी पहले कहती थी, उन्होंने एक लिस्ट जारी किया था 13 सबसे भ्रष्ट व्यक्ति भारतवर्ष के। नंबर वन पे लालू प्रसाद यादव थे, लालू प्रसाद यादव सबसे ज्यादा भ्रष्ट थे। और आज देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं लालू प्रसाद यादव को डिपेंड करने, पपिया झपिया डाल रहे थे लालू। पहले बोल रहे थे हमको वोट दो, हम लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, जितने भ्रष्ट लोग हैं इन सबको एक्सपोज करेंगे। और वो जो अरविंद केजरीवाल के पास काला रंग का सूटकेस भी था, उसके अंदर सब कागज था, इसके अंदर कागज है, जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा कागज निकालूंगा। उसके बाद मुख्यमंत्री बन के पपिया झपिया डाल रहे थे, और अभी बोल रहे हैं लालू प्रसाद यादव बड़ा ईमानदार है, क्यों रेड डाला लालू प्रसाद यादव के घर में? उस समय कहते थे ये सब मिले हुए हैं जी, ये किसी के घर में रेड नहीं डालेंगे क्योंकि सब एक हैं। आज जब रेड डल रहा है, दिलीप जी इसके बाद मिले हुए हैं जी, दिलीप जी इसके बाद में जरूर जवाब लूंगी। एक बार चूंकि आरजेडी पर सीधा प्रहार है, नवल किशोर जी को दिखाइए। नवल किशोर जी, ईडी, सीबीआई और आईटी पहले मुहूर्त निकलवाए, उसके बाद जांच करें कि नहीं नहीं आज तो शक्ति परीक्षण हो रहा है, आज तो शुभ मुहूर्त है, इसलिए आज रेड नहीं पड़ेगी। इस मामले की जो नौकरी के बदले जमीन ली गई, इस पर जांच तो पहले से चल रही है। मिस्टर किशोर, आवाज नहीं आ रही है, चलिए उनका फ्रेम ही फ्रीज हो गया है। आपसे माधव आनंद जी इस पर जवाब ले लेते हैं, क्योंकि ये कह रहे कि पहले से ही, केसी त्यागी जी कह रहे कि पहले से ही हमें समझ में आ गया था जिस दिन सरकार टूटी थी, नई सरकार बन रही थी आरजेडी के साथ, कि अब रेड हो गए। तो इसमें तो कोई साइंस नहीं चल रहा है, क्योंकि ये मामला पहले से जांच इस पर चल रही है और रेड तो उसी का एक हिस्सा है, मुहूर्त देखकर थोड़ी ना रेड डालेंगी एजेंसियां। अंजना जी, मुझे बस एक मिनट का टाइम दीजिएगा, और संबित भाई को मैंने बड़ी गंभीरता से सुना। देखिए, हम लोगों ने गठबंधन जरूर चेंज किया है, और गठबंधन किन कारणों से चेंज किया ये भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज विधानसभा में रखने का काम किया, और विपक्ष के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक थे वो सब जो है सदन छोड़ के भाग गए। यानी ये सुनना ही नहीं चाह रहे थे कि किन कारणों से हम लोगों ने गठबंधन तोड़ा, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी सुनाना चाहते थे कि वह किन कारणों से गठबंधन टूटा है। देखिए, लोकतंत्र में यानी वैचारिक विचारधारा की लड़ाई है, वहां मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद लोकतंत्र में हो, और मनभेद वो भी ईर्ष्या वाला मनभेद हो, यह कतई उचित नहीं है। हम लोगों ने गठबंधन जरूर बदला है, लेकिन अपने विचारधारा के साथ कभी समझौता नहीं किया। जहां तक आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की बात है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, ये जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इस संस्थाओं का अगर मान लीजिए कि दुरुपयोग किया जा रहा है, और जो वक्त तय किया गया आज के दिन जो छापा पड़ने का, मुझे लगता है संशय तो पैदा होता है, एक साधारण व्यक्ति के मन में भी संशय पैदा होगा कि आखिर यही टाइमिंग क्यों चुना गया है, इतने वर्षों से ये केस चल रहा है, पहले आपने क्यों नहीं किया? और आज विधानसभा में बहुमत साबित करना था, स्पीकर का जो है तो मनोनयन होना था,
और आप जो है जो छापा मारवाने का काम करते हैं, तो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग अगर बीजेपी कर रही है, यानी बीजेपी कर रही है, नहीं करी तो बीजेपी बताएगी, लेकिन आम जनता में यह तो संदेह पैदा हो गया है कि बीजेपी निश्चित रूप से ईर्ष्या द्वेष और राजनीतिक जो है राजनीतिक वेंडेटा के तहत जो है विपक्ष के लोगों को टारगेट कर रही है। और जहां तक तेजस्वी यादव जी की बात है, तेजस्वी यादव जी ने तो चैलेंज दिया, जिस मॉल का जिक्र आप कर रही हैं, कहा जा रहा है कि तेजस्वी जी का पैसा लगा हुआ है, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण देने का काम किया है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए 2024 निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण होगा, और जिस तरह विपक्ष एक साथ आ रहा है, बीजेपी की छटपटाहट यह दिखाई पड़ रहा है। और संबित भाई का तो मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़ा तर्क के साथ आते हैं, लेकिन आज जो उन्होंने तर्क दिया, मुझे वो तर्क कहीं से हजम नहीं हुआ, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि आखिर आज ही का टाइमिंग क्यों था, आज ही क्यों छापा पड़ा। अब पूछ रहे हैं कि हम लोगों से पूछ के आएगा क्या? अरे भाई पूछ के नहीं आएगा, लेकिन अगर विधानसभा में बहुमत साबित करना है, स्पीकर का चुनाव होना है, और आप ही उसी दिन छापा पड़वाते हैं, तो स्वाभाविक है भारतवर्ष की जनता तो आपसे पूछेगी ना संबित भाई, कि नहीं पूछेगी? पूछने का अधिकार तो है। ठीक है, नवल जी भी बोले, उसके बाद संबित जी एक साथ जवाब दीजिएगा। क्यों नवल जी, सवाल यही है कि मुहूर्त देखकर एजेंसियां थोड़ी ना काम करेंगी आपके हिसाब से? नहीं नहीं, मुहूर्त देखकर देश में एक एक चुन चुन कर एक एक विपक्षी दलों को बदनाम करने का काम तो किया ही जा सकता है, और वो इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है, क्योंकि पूरे बिहार की जनता यह देखना चाहती है कि किस प्रकार से 7 दल और इंडिपेंडेंट 164 विधायक एक दल एक साथ आकर और बीजेपी को अकेला बिहार में छोड़ दिया है और प्रण कर रहा है कि पूरे भारत में उसको अकेले और हराने का काम करेगी। ये कैसे, इससे बड़ा मुहूर्त क्या हो सकता है? संबित भाई ने ठीक कहा कि बीजेपी जो है वो किस प्रकार का दल है, उसमें मूर्खों की संख्या ज्यादा है, उसमें दुष्प्रचार करने वालों की संख्या ज्यादा है, उसमें झूठ बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, ढकोसलेबाज लोगों की संख्या ज्यादा है। उनके पास काम क्या है? निकम्मी सरकार जो है 20 महीना पहले बिहार के युवाओं के साथ यह वादा करती है कि 19 लाख रोजगार देंगे, 19 रोजगार नहीं देती है। इससे भ्रष्ट सरकार क्या हो सकती है? इसके झूठा वादा क्या हो सकता है? देश के वित्त मंत्री से यह वादा कराया जाता है चुनाव के समय में, और वो काम नहीं पूरा करती है। जब नीतीश कुमार जी खुद आकर कहते हैं कि भाई आप जिसके साथ रहते हो उसी को बर्बाद कर, आप तो भस्मासुर हो, ये भस्मासुर का काम पिछले 5 साल से आप कर रहे हो, और वो देखकर उनसे अलग हुए तो इनको परेशानी क्या है?